नमस्ते दोस्तों, मैं सपना जैन आपका स्वागत करती हूँ एंड रिच माइंड्स चैनल में। दोस्तों, आज हम अनेकार्थी के शब्द के विषय में जानेंगे। अनेकार्थी किसे कहते हैं और अनेकार्थी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लास को आप मिस ना कर सकें। अनेकार्थी या अनेकार्थक, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अनेक अर्थ निकलने वाले शब्दों को या भिन्न भिन्न अर्थ निकलने वाले शब्दों की हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक या अनेकार्थी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सारंग। सारंग एक शब्द है जिसके यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, जैसे हिरण, सिंह, सांप, मोर, घोड़ा, मधुमक्खी, बाज, मेंढक, बादल, छाता, कमल, स्त्री, गहना, चंद्रमा, कपूर, फूल, रात्रि, समुद्र, पानी, दीपक, केस, वस्तु, धनुष, कांदे, काजल, शोभा, दिन, रात, सोना, शंख, कोयल, हंस, सूर्य, घोड़ा, हाथी इत्यादि। अब आपने देखी कि सारंग सिर्फ एक शब्द है और एक शब्द के यहाँ पर क्या है, अनेक अर्थ निकले हैं, इसलिए सारंग शब्द कैसा शब्द कहलाएगा, अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। इसमें एग्जाम की दृष्टि से आपके जो आते हैं वो है सिंह, शेर के नाम से भी आता है, सांप, मोर, बादल, छाता, हंस, सूर्य, घोड़ा, शंख, ये शब्द क्या है, अधिकांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम हरि। हरि का मतलब होता है भगवान के लिए प्रयोग करते हैं हम हरि। अब हरि शब्द की हम देखेंगे अनेक अर्थ कौन कौन से होते हैं या भिन्न भिन्न अर्थ कौन से हैं। सबसे पहले विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, बानर, बानर को बंदर बोलते हैं, यमराज, हवा, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव और हरारंग इत्यादि क्या है, ये सभी हरि के आपके अनेकार्थक शब्द हैं, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विष्णु, एक आपका बानर बंदर, शिव, सर्प, सिंह, शेर और सूर्य, ये क्या है आपके एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको मिलेंगे भी तो अनेकार्थक के रूप में कौन से शब्द मिलेंगे, विष्णु शब्द मिलेगा, शिव शब्द मिलेगा, इंद्र शब्द मिलेगा, बानर या बंदर शब्द मिलेगा आपको, सर्प और सिंह और सूर्य, ये शब्द आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अक्षर। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, नाचर अक्षर, और अक्षर को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अब इसी के अनेकार्थी शब्द देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या इत्यादि, ये किसके अक्षर के क्या है, अनेकार्थी शब्द है। एग्जाम में आपका अधिकतर आता है वर्ण, ब्रह्मा, मोक्ष और तपस्या, ये शब्द क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अतिथि। अतिथि का वैसे मतलब होता है मेहमान, परंतु यहाँ पे हम इसको अतिथि शब्द को अनेक अर्थों में देखेंगे, जैसे मेहमान, अपरिचित व्यक्ति, साधु, यात्री, यज्ञ में सोम, सोम मतलब जो रस लिया जाता है उसको सोम बोलते हैं, यज्ञ में सोम आ जाएगा, अग्नि, लता लाने वाला, राम का पोता या उसका बेटा, ये अतिथि के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका बेटा अतिथि के लिए आएगा। अब एग्जाम की दृष्टि में आपको मिलेंगे मेहमान, अपरिचित व्यक्ति, यात्री और उसका बेटा, ये शब्द आपके क्या है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं कर। कर का मतलब ऐसे हाथ होता है, परंतु यहाँ पर हम इनके अनेकार्थी शब्द देखेंगे, हाथ, हाथी की सूंड, किरण, टैक्स इत्यादि, ये शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है, कर के लिए, जिसमें एग्जाम में आपका अधिकतर पूछा जाता है, हाँ, कर मतलब हाथ और किरण और टैक्स,
टैक्स वो ही हम क्या बोलते हैं कर बोलते हैं। तो ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे कर के, और ये कर के ही अनिवार्य शब्द हैं। अब हम आते हैं पानी। पानी का शाब्दिक अर्थ तो हम जानते हैं जल होता है, परंतु यहाँ पर अनेक अर्थ लिए गए हैं, मतलब जल भी होगा उसके अलावा और भी अर्थ होंगे, जैसे वन जल वर्षा लज्जा इज्जत चमक स्वाभिमान प्रतिष्ठा इत्यादि। आपने देखा होगा एक दोहा है, रायमन पानी राखिए बिन पानी सरसून पानी गए न उभरे मोती मानस चून। वहां पर जो पानी शब्द आया है वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ आया है, तो वही संदर्भ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक आता है पानी मतलब जल जल के लिए, दूसरा आता है चमक के लिए मोती में चमक के साथ, व्यक्ति में स्वाभिमान के साथ, ऐसे उसके क्या तीन अर्थ निकलते। तो यहाँ पर भी पानी के क्या है अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, जैसे लज्जा बोलते ना पानी पानी हो गए मतलब लज्जित हो गए, इज्जत चमक स्वाभिमान प्रतिष्ठा ये सभी शब्द क्या है पानी के अनिवार्य हैं। जल लज्जा इज्जत चमक स्वाभिमान ये एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है, जैसे पानी शब्द दे दिया, जैसा आपका प्रसंग रहेगा उस प्रसंग के अनुसार हमें चुनना रहता है कि इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। कहीं जैसे चमक रहता है तो कहीं पर इज्जत रहता है, कहीं पर लज्जा। अब आते हैं हम गो। गो के भी क्या है अनेक अर्थ है, जैसे गाय माता सांड बैल आकाश तारे पृथ्वी इंद्र का वज्र, इंद्र के वज्र को भी हम क्या कहते हैं गो कहते हैं। वाणी सरस्वती जल दिशा चंद्रमा संख्या नौ स्वर इत्यादि शब्द क्या है गो के लिए अनेकार्थी शब्द हैं, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से आपका आता है गाय माता पृथ्वी वाणी सरस्वती स्वर्ग, ये सभी शब्द क्या है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं अंबर। अंबर का वैसे तो अर्थ होता है आकाश आसमान, परंतु यहाँ पर अनेक अर्थ लिए गए हैं, जैसे अंबर का यहाँ पे हमने लिया वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, आकाश बादल गगन कपास मेघ इत्यादि, ये सभी किसके हैं अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं, जिसका एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर दे दिया जाता है अंबर का, वस्त्र दिया जाता है आपका, कपास दिया जाता है, बादल भी दे देते हैं। तो ये क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्दों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।